दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य रविशंकर जी हमारे इस वक्त मौजूद है। उनका दावा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में एक बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने उजागर किया है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। सर, किस तरीके से आप इस घोटाले को देख रहे हैं और कार्यवाही अब इसके ऊपर क्या रहेगी? देखिए, अभी पीछे लॉकडाउन से पहले कुछ कर्मचारियों ने मेरे पास एक शिकायत दर्ज कराई थी ईपीएफ की। ईपीएफ उनका जो है ईपीएफ नंबर नहीं था, उनके पास ईपीएफ कार्ड नहीं था और उनको पता नहीं चल रहा था कि जो उनके सैलरी से जो तनख्वाह से जो कटौती होती है ईपीएफ की वो कितने हो रही है। तो लगभग जो है 12% सैलरी का कच्चे कर्मचारी, डेली वेजर, पीसमिल और रेगुलर कर्मचारी जो है कच्चे कर्मचारी, उनका 12% सैलरी से कटौती होती है सैलरी के हिसाब से। उस सैलरी के हिसाब से अगर आप देखें तो एक जोन में अगर 2500 कर्मचारी कच्चे हैं उन और 2500 कर्मचारी एक जोन में है, तो अगर 6 जोनों के कर्मचारी को जोड़ के लगाएं और उनकी ईपीएफ की कटौती जो लगभग 5 साल से हो रही है, ये जो कटौती होते होते ये 1500 करोड़ रुपए, लगभग 1500 करोड़ रुपए हो गई है, 5 साल से कटौती हो रही है। जब उनके प्रयासों से और यहाँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के मेरे प्रयासों से जब ये हुआ कि कर्मचारियों को ईपीएफ नंबर भी मिल गया और ईपीएफ कार्ड भी मिल गया, जब कार्ड और नंबर उन्होंने डायल किया, नंबर डाला, तो उनके अकाउंट में 6000, 8000, 10000 रुपये शो हुए। तो सवाल उठता है कि जो ईपीएफ कटौती एमसीडी ने करी है वो पैसे जो हैं 5 साल से जो कट रहे थे वो पैसे कहाँ हैं? तो इससे साफ जाहिर हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि एमसीडी जो बीजेपी शासित एमसीडी है उसने सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। सफाई सैनिकों की सैलरी से कट के जो पसीना बहाने के बाद सैलरी मिलती है उसकी कटौती के बावजूद 5 साल अगर उसकी सैलरी से पैसा कोई कटा है तो अगर आज वो 6000 रुपये, तो जो 5 साल से पैसा जो कट रहा था लगभग 1200, 1400, 1600 रुपये के हिसाब से आज के और आज बढ़ गया होगा, वो पैसा अगर जोड़ा जाए तो ये 1500 करोड़ रुपये का उत्तरी दिल्ली नगर निगम का है। अगर इसमें दूसरे विभागों को भी जोड़ दिया जाए एमसीडी के, चिकित्सा, शिक्षा, भवन, वर्ष, हॉर्टिकल्चर, इन डिपार्टमेंट को कच्चे कर्मचारियों को भी जोड़ दिया जाए और उनकी ईपीएफ कटौती को भी जोड़ा जाए, क्योंकि अभी केवल सिर्फ सफाई सैनिकों की कटौती की बात हो रही है, अगर दूसरे विभागों को भी अगर जोड़ के इस कटौती का अनुमान लगाया जाए तो ये कटौती लगभग 5000 करोड़ रुपये की है जो बीजेपी शासित एमसीडी ने कर दी है, जिसका कोई पता नहीं है। मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और बीजेपी के अधिकारी, जो बड़े अहदे के अधिकारी हैं, उन लोगों ने इन कर्मचारियों को धोखा किया और इस धोखे में उन्होंने अपना भला किया, अपनी जेबें भरी हैं। क्या वो बताएंगे कि ये पैसा कहां पर? पिछले 15 सालों से बीजेपी शासित एमसीडी रही है और आप जिस तरीके का घोटाला बता रहे हैं, अभी दूसरे क्या कोई जांच की भी मांग करेंगे? मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे इसमें, क्या कार्यवाही रहेगी आगे की? बिल्कुल, देखिए, हम इसमें मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे, इसमें एलजी महोदय को भी पत्र लिखेंगे कि इसकी जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच हो सफाई सैनिकों का और दूसरे विभागों के कर्मचारियों के भी अगर कटौती हुए तो उनका जो पैसा कटा है, जो उनकी मेहनत की कमाई का पैसा कटा है, जो एक रिटायरमेंट होने पर मिलता है कर्मचारी को, अगर उनका कोई अता पता नहीं होगा तो इसकी जांच होनी चाहिए। और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि इसकी जांच जो है एजेंसियों, जांच एजेंसियों द्वारा की जाए, जिसमें दिल्ली सफाई कर्मचारी को विजिलेंस, सीबीआई और सीआईडी के जांच करा सकते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, और हम पक्का सफाई सैनिकों को और दूसरे कर्मचारियों के हक अधिकार को लड़ने के लिए तत्पर हैं और हम लड़ेंगे। रविशंकर जी, संवैधानिक पद पर हैं, आयोग के आप सदस्य हैं, क्या कोई ऐसा अभियान भी चलाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सफाई जो कर्मचारी है पढ़ा लिखा नहीं है, इस चीज़ की उनको जानकारी नहीं होती, क्या जागरूक भी किया जाएगा? घोटाला तो आप उजागर कर ही रहे हैं। देखिए, मैं जब से इस पद पर आया हूँ तो मेरा पहले दिन से ये बात थी कि मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आपके बीच में मैं आऊँगा। तो मैंने एक अभियान भी चलाया था, सफाई कर्मचारी जागरूक अभियान, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नॉलेज में डाल के जब ये अभियान चलाया था, और मैंने वार्डों में जाके लोगों जागरूक सफाई सैनिकों को जागरूक किया, उनके हक अधिकारों को उनको बताया कि वो किस क्षेत्र में उनका और किस अधिकार क्षेत्र में उनका काम आता है, उनको सैलरी या उनको क्या क्या चीज़ मुहैया होनी चाहिए और उनका क्या काम है, ये मैंने उनको बताया था। तो क्या होता है कि उनके जो एसआई हैं, एएसआई हैं और जो उनके बिल क्लर्क हैं, वो उनको जोनों के धक्कर खिलाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी का काम सिर्फ सफाई का है
और बाकी जो जिम्मेदारियां बनती है, क्योंकि सफाई सैनिक एक जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके उसके एसआई की है, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर उसकी है, उसके बाद उसके बिल क्लर्क का काम है, कोई जोनल लेवल काम है, तो वो एसआई को ये पावर है कि वो अपने बिल क्लर्क को या किसी भी अधिकारी को जो उनके काम होता है, जो प्रशासनिक काम है, जो वो अपने वार्ड में बुला के उनका काम ये करा सकता है, बजाय सफाई सैनिकों का जोन में जाने का कोई काम नहीं होता। देखा जाता है कि सफाई सैनिक अपनी नौकरी करने के बाद 2:30 बजे के बाद जोनों के अंदर धक्के खाते रहते हैं। अगर उनको 5-6 बजे अगर जोनों में ही बच जाते हैं तो अपने घर कितने बजे पहुंचेंगे? एक सफाई सैनिक अगर अपने घर से 5 बजे निकलता है और अपने घर में 7-8 बजे पहुंचेगा तो अपने बच्चों को क्या देखेगा और क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा? ईपीएफ अब डिजिटल की तरफ जा रहा है, पहले हाथ से काम होता था, क्या लग रहा है कि जब डिजिटल है इस समय, है ना, कुछ कर्मचारियों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो क्या करेंगे आप लोग और किस तरीके से इस घोटाले को उजागर करेंगे? देखिए, घोटाला तो मैंने उजागर कर दिया है और उसका प्रमाण भी जो है इस ईपीएफ कार्ड से प्रमाणित हो गया है। हमारे जो युवा साथी जो इस वक्त दूसरे जो कर्मचारी हैं जिनका कार्ड बना हुआ है ऑलरेडी, वो किस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं अपना कि उनका पैसा ईपीएफ में बना कितना है आखिर? देखिए, जो उसमें एक ईपीएफ नंबर उन्हें अलॉट हुआ है, ईपीएफ कार्ड उन्हें अलॉट हो गया है, ईपीएफ कार्ड के माध्यम से जैसे ही वो उसमें नंबर अलॉट करते हैं उनके फ़ोन में ही आ जाता है कि भाई इतना पैसा आपके पास है। उसी के माध्यम से तो पता चला है कि 5 सालों से जो पैसा कट रहा था वह सफाई सैनिक के अकाउंट में सिर्फ 6,000 है, 8,000 है, 10,000 है, 5,000 है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था। और अब जो सफाई सैनिक, जो युवा साथी हमारे जो पढ़ा लिखा है, उसने भी ये काम शुरू कर दिया है कि सफाई सैनिकों को जागरूक कर रहे हैं। वो जागरूक करने का काम यही है कि अगर किसी सफाई सैनिक को ये पता नहीं है, उसे नंबर डायल नहीं करना आता है, तो वो जो युवा साथी जो पढ़े लिखे वो उनका काम कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि आपके पैसे कट रहे हैं लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है, या हैं तो इतने हैं। जाँच की आप मांग कर रहे हैं CBI की, CID की, क्या लग रहा है आपको, क्या जाँच भी प्रभावित हो सकती है? मामला इतना बड़ा है, BJP शासित है, सेंटर में भी ये लोग बैठे हैं और नगर निगम में भी हैं। देखिए, घोटाला तो घोटाला है, वो किसी के नाम पूछ के नहीं किया जाता है, सब मिलके ही किया जाता है। और BJP शासित MCD 15 साल से काबिज है। अगर ये 5 सालों का EPF का घोटाला सामने आया तो शायद अगर जब जांच होगी तो पीछे का भी कुछ आएगा। ऐसी LIC का है और भी बहुत सारी कटौतियाँ होती हैं, सफाई सैनिक बेचारों को पता नहीं चलता और पता ना चलने के कारण ही ये घोटाले हो जाते हैं। बार बार हड़ताल करने के बाद बार बार अपने एरियर की डिमांड करना, अपने टर्मिनेटर ऑफ द बेनिफिट की डिमांड करना और बार बार अपने सैलरी की डिमांड करना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा विशेष अनुदान राशि लेने के बाद भी डिमांड सफाई सैनिक की वही रहती है, एरियर की भी, पेंशन की भी और पक्के होने की भी, और जो है एरियर की भी डिमांड वही रहती है। तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार विशेष अनुदान राशि देते हैं MCD को, BJP शासित MCD को देते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है? सफाई सैनिकों की जो मांग डिमांड है वो पूरी क्यों नहीं होती है? तो हमारे सफाई सैनिकों को भी समझना चाहिए कि वो भोले भाले हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, बहादुर हैं, अब उन्हें भी अपना अच्छा बुरा समझ में आ गया है। इसलिए अब 2022 में सब ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को ही काबिज करेंगे MCD चुनाव के अंदर, और MCD के अंदर BJP जो 15 साल से बैठी हुई है उसको उखाड़ फेंकेंगे। क्या एक आखिरी सवाल, अब अगले साल निगम का चुनाव होने हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हम जीते तो निगम की सभी समस्याएं जो है हल करेंगे, क्या ये वाला जो मामला है, कई जो कर्मचारी उनके पैसे अभी तक EPF के नहीं है जैसा आप दावा कर रहे हैं, और जब सरकार अगर बनती है MCD में आप काबिज होते हैं तब क्या किया जाए? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अभी भी बोल रहे हैं कि MCD हमारे अंडर कर दो, हम सारा तरीके से काम जो है उसको प्रतिबद्ध कर देंगे और काम को पूरा करेंगे। और 2022 में ये आम आदमी पार्टी नहीं बोल रही है, ये दिल्ली की जनता बोल रही है, जो त्राही त्राही MCD के अंदर जो कर दी। EPF के घोटाले को लेकर क्या किया जाए? EPF के घोटाले को लेकर तो अभी कर देंगे, जब उसी इंतजार थोड़ा देखेंगे, वो तो हम अभी शुरू कर देंगे, दिल्ली सफाई कर्मचारी और की तरफ से शुरू कर देंगे, वो तो उसकी जांच होगी और जांच का खुलासा होएगा, और खुलासे की बात ही नहीं है तो साफ जाहिर हो रहा है ना कि भाई अगर कोई कर्मचारी अपने अकाउंट में पैसे चेक कर रहा है, उसके पैसे इतने आ रहे हैं तो साफ जाहिर है। MCD के जो BJP शासित MCD के मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, क्या वो बता देंगे पैसा कहाँ उन्होंने खर्च किया, कहाँ लगाया है, और इस सफाई कर्मचारी का जो पैसा कटौती हुई है वो कहाँ है? उससे साफ वो पता लग गया ना उनको, सफाई सैनिकों को पता लग गया कि उनके पैसे की अगर कटौती हुई तो वो पैसा इतना है उनके पास, 5 साल से उसका आता पता नहीं था।
हमारे साथ रवि शंकर जी, जिन्होंने उनका दावा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 1500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सफाई जो कर्मचारी है उनके ईपीएफ के पैसे अभी तक अकाउंट में नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम इसके लिए एक बड़ी जांच की मांग भी करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर इसके बारे में बताया जाएगा। मैं कुलदीप कुमार, AA News, दिल्ली।